तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का उर्दू का क्वेश्चन पेपर। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसे जैक ने जारी किया था। इसमें कुल 40 सवालात हैं। ये 3 सेट मॉडल पेपर जारी किया है, इस सभी को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरी हिदायत: सभी सवालात लाजमी हैं। सवालात की कुल तादाद 40 है। हर सवाल की कीमत 1 नंबर है। सभी सवालात के जवाब के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। इनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। सेक्शन ए: खाना अलिफ, कवायद व इंशा। मुंदरजा ज़ेल इक्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवाल के जवाब दीजिए। ये इक्तिबास दिया गया है, इसे पढ़ना है गौर से, और जो जवाब दिया गया, जो सवाल दिया गया उसका जवाब देना है। तो इल्म के माना जानने के हैं। अरबी, फारसी और उर्दू में इल्म की जगह तालीम का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा होता है। इल्म की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। इल्म एक रोशनी है जिससे तारीकी दूर होती है। बग़ैर इल्म के इंसान जानवर के बराबर होता है। तालीम याफ्ता इंसान अच्छे और बुरे का फ़र्क बेहतर तरीके से कर सकता है। अपनी अक्ल और होशियारी से अपने लिए और दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करता है। इसलिए इल्म का दर्जा बहुत बुलंद है। किसी ने कहा है कि इल्म के कलम की रोशनाई शहीद के खून से अफजल है। तो पहला सवाल है, इल्म के माना क्या होते हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इल्म का माना जानने के होते हैं। इल्म की जगह अरबी और फारसी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? तो तालीम इस्तेमाल होता है। बग़ैर इल्म के इंसान किसके बराबर है? तो बग़ैर इल्म के इंसान जानवर के बराबर है। कौन सी दौलत सबसे बड़ी दौलत है? इल्म की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। आलिम के कलम की रोशनाई किसके खून से अफजल है? शहीदों के खून से भी अफजल है। दर्ज ज़ैल दरख्वास्त को गौर से पढ़ें और खाली जगहों को नीचे दिए गए मुनासिब अल्फाज से भरें। बख़िदमत जनाब, तो यहाँ 6 नंबर में आपका हो जाएगा। बख़िदमत जनाब हेडमास्टर, हेडमास्टर को दरख्वास्त लिखा जा रहा है। मिल्लत हाई स्कूल गोड्डा, मौजू सेक्शन तब्दील करने के सिलसिले में जनाब आली। तो फिर है, डैश अर्ज है कि मैं आपके स्कूल में 9वीं जमात सेक्शन बी का तालिबे इल्म हूँ। तो 7 का क्या होगा? 7 का हो जाएगा गुजारिश। और मैं अपना डैश तब्दील करना चाहता हूँ क्योंकि सेक्शन बी में कुछ शरारती। तो 8 में क्या है? अपना तब्दील करवाना चाहता हूँ। तो क्या तब्दील करवाना चाहता हूँ? सेक्शन तब्दील करवाना चाहता हूँ। तो इसका हो जाएगा बी सेक्शन। और कुछ शरारती तालिबे इल्म हो जाएगा। 9 का जवाब तालिबे इल्म है जो बहुत परेशान करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अज़राह करम मुझे सेक्शन ए में तब्दील करने की जहमत फरमाए। मैं आपका हमेशा एहसान मंद रहूँगा। आपका फरमा बरदार मोहम्मद दानिश अहमद, 9वीं जमात B, रोल नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जहमत हो जाएगा आंसर। मुंदरजा ज़ेल सवालों के जवाब चुन कर लिखिए। माना के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो माना के लिहाज से इस्म की 2 किस्में होती है, इस्म मार्फा और इस्म नकरा।
जिसे इस्म आम और इस्म खास भी कहते हैं। इस्म मारफा की कितनी किस्में होती हैं? तो इस्म मारफा की 6 किस्में होती है। कोयल कुकु करती है में इस्म का जिक्र किया गया। कुकु करती है यानी आवाज़ निकालती है, तो इसमें आवाज़ से मुतालिक कौन है? तो इसमें सौत। सौत मतलब क्या होता है? आवाज़, तो इसमें सौत। मैं डाक खाना जा रहा हूँ, इस जुमले में किस इस्म का जिक्र किया गया है? इस्म आला किसे कहते हैं? वह वैसा इस्म जिसमें किसी औजार जिसमें औजार सब वगैरह आते हैं, उसे इस्म आला कहते हैं। इस्म ज़र्फ़ यानी कोई जगह या घर का नाम, जगह का नाम, तो उसे इस्म ज़र्फ़ कहते हैं। तो डाक खाना क्या हो जाएगा? ये एक इस्म ज़र्फ़ है। वह इस्म जो किसी खसूसियात या सिफत की वजह से मशहूर हो जाता है, क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग लकब कहते हैं। लकब तखल्लुस कहते हैं। वह नाम होता है जिससे शायर कोई नज्म या शायरी वगैरह लिखते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। शायरे मशरिक जेल में से किसकी मिसाल है? तो शायरे मशरिक लकब की मिसाल है। वह इस्म है जिसमें मादी चीज़ों के नाम होता है, क्या कहलाता है? तो उसे इस्म मादा कहते हैं। ये तलवार है जुमला में तलवार किस इस्म की मिसाल है? तो तलवार एक औजार है, तो ये क्या है? ये इस्म आला है। तलवार एक इस्म आला है। मुहावरा हिरन हो जाना का मानी क्या है? तो हिरन हो जाना यानी भाग जाना। फ़कीर की जमा क्या है? फ़कीर की जमा फ़कीरों फ़कीरे फ़कीर, तो फ़कीर की जमा फ़ुकरा। दर्ज ज़ैल इक्तिबास को गौर से पढ़ें और पूछे गए सवालों के जवाब दें। उस घर से निकलकर आज अब्बासी की वह हालत हो गई जो थिएटर में यकायक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है। इसकी उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर फाड़े खाता था, उस काल कोठरी में दम घुट जाता था। रात जो तो गुजरी गुजर गई, सुबह को वह मकान में झाड़ू दे रही थी। यकायक ताज़े हलवे की सदा सुनकर बे इख्तियार बाहर निकल आई। याद आ गया, हलवा कौन खाएगा आज? गोद में बैठकर कौन चहकेगा वह नगमा मसरत सुनने के लिए? जो हलवा खाते वक्त नसीर की आंखों से, होठों से और जिस्म के एक एक वजू से बरसता था। अब्बासी की रूह तड़प उठी, वह बेकरारी के आलम में घर से निकली के चलो नसीर को देखा ऊपर आधे रास्ते से लौट आई। मुंदरजा बिल इक्तबास किस सबक से लिया गया? तो इस सबक को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा यह किस सबक से लिखा गया। तो ये हजी अकबर, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, उसी से लिया गया है ये हजी अकबर। मुंदरजा ज़ैल इक्तबास के मुसन्निफ़ कौन है? तो अभी मैंने बताया ये मुंशी प्रेमचंद जी का है, इक्तबास है। किसके घर से निकलने के बाद अब्बासी की हालत ख़राब हो गई? तो साबिर हुसैन के घर से जब उसने काम छोड़ दिया तो उसकी हालत ख़राब हो गई। दाया अब्बासी को किसका ख्याल बार बार आता रहा? तो किसका ख्याल आ रहा था? उसके बेटे साबिर हुसैन के बेटे नसीर का ख्याल। किसकी रूह तड़प उठी? अब्बासी की रूह तड़प उठी। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोहरत से भागता हूँ दिल ढूंढता,
हूँ, ऐसा सुकून जिस पे तकरीर भी फिदा हो। मरता हूँ खामोशी पे, ये आरजू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा झोपड़ा हो। आज़ाद फिक्र से हूँ, अजलत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। लज़्ज़त सरोद की हो, चिड़ियों की चहचहों में, चश्मे की शोरसों में बाजा सा बज रहा हूँ। मुंदरजा बिल अशआर किस नज़्म से लिया है? तो ये नज़्म एक आरजू जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है उसी से लिया गया है, एक आरजू। इस नज़्म के शायर कौन है? तो इस नज़्म के शायर है अल्लामा इकबाल। शायर का ही महफिल से उकता गया है, तो शायर दुनिया की महफिल से उकता गया है। दिल बुझ जाने के बाद किस चीज़ का लुत्फ नहीं आता है? तो अंजुमन का लुत्फ नहीं आता है महफिल का। शायर अपना छोटा झोपड़ा बनाने की आरजू करता है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। शायर कोह के दामन में, कोह यानी पहाड़ के दामन में अपना झोपड़ा बनाना चाहता है। मजमून गुजरा हुआ ज़माना के मुसन्निफ़ कौन है? तो गुजरा हुआ ज़माना आपने पढ़ा होगा, ये एक सर सैयद अहमद ख़ान का है। इंशाया गुजरा हुआ ज़माना, इंशाया चारपाई के मुसन्निफ़ कौन है? तो इंशाया चारपाई के मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश जौनपुर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश प्रदेश में है। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद जी का असल नाम धनपत राय था। अफसाना हजे अकबर में नसीर की माँ का नाम क्या है? तो आपने ये अफसाना पढ़ा होगा, उसमें नसीर की माँ का नाम क्या था? शाकिरा। मुफलिसी सब बाहर खोती है, मर्द का एतबार खोती है। गज़ल के शायर कौन है? तो इस गज़ल के शायर हैं वली मोहम्मद वली। मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई थी? तो मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में 1722 ईस्वी में हुई थी। इनमें से किस शायर को शहनशाह गज़ल कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को शहनशाह गज़ल कहा जाता है। इसे इन्हें खुदाए सुखन भी कहा जाता है। हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में होती है? हैयत की एतबार से नज़्म की चार किस्में होती है। नज़्म तालीम से बेतवज्जही का नतीजा के शायर कौन है? तो इसके शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो ये आपका मॉडल सेट एक कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इससे मैं मॉडल सेट दूसरा तीसरा का भी लाऊं, तो आप मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसके शुक्रिया।